कटनी में एक प्राचीन मंदिर से भगवान व उनके कीमती गहने चोरी हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरों ने 250 साल पुराने मंदिर में धावा बोलकर अष्ट धातु की दो मूर्तियों समेत चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की गई चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त की बेशकीमती मूर्तियां अष्ट धातु की हैं और सैकड़ों साल पुरानी हैं। मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सरगर्मी से चोरों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में माई नदी पुल के समीप प्राचीन राम जानकी मंदिर स्थित है। मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित सैकड़ों साल पुरानी वजनी मूर्तियां स्थापित थीं, जो बुधवार की दरमियान रात चोर ले उड़े। चोर भगवान की मूर्तियों के अलावा उनके कीमती गहनों को भी चुरा ले गए। चोरी गई मूर्तियां भगवान चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त की बताई जा रही हैं। पुरातत्विक महत्व से जुड़ी अष्ट धातु की ये मूर्तियां बेशकीमती हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की आंकी जा रही है। इसी के चलते ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मूर्ति तस्करों से जुड़े गिरोह द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस इसे नशेलचियों की करामत मान रही है। चोरी की वारदात की जानकारी सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। कल रात को मैंने आरती किया, द्वार सब लगाया और रात में चोरी हो गई। किस चीज की? चित्रगुप्त विचित्रगुप्त भगवान की। कब से ये स्थापित है मंदिर? ये बहुत प्राचीन 250-300 वर्षों का इस मंदिर को। और ये मूर्तियाँ किस चीज की थी? और ये अष्टधातु की थी इसमें। अच्छा, चित्रगुप्त की और दोनों मूर्तियाँ लगभग 1 फुट की ऊंचाई की थी। कितने साल पुरानी मूर्ति होगी? वो भी उसी समय जब मंदिर की स्थापना हुई थी। एक ही मूर्ति चोरी हुई थी? दो। हाँ, लोग उसको खरीदते हैं मतलब, और जो भी करते तो मुझे नहीं मतलब, इस समय चोरी बहुत हो रही मूर्ति। और ये मैं चाहता हूँ कि भाई जितनी भी प्राचीन मंदिर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सही हो। तो मतलब ये तस्करों का हाथ लग रहा है आपको? अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ जिसका भी हो, परंतु यह है कि जो भी चोरी करता है इनको जो है पकड़ा जाए और मूर्तियाँ वापस कर। कोई अद्वितीय मूर्ति है, मैं इतना कहूँगी अद्वितीय है। ये जो मूर्तियाँ अब दोबारा मिल नहीं सकती भाई, बेशकीमती भी है। हाँ, वही अद्वितीय का मतलब कि भाई इनको दोबारा निर्माण करना असंभव है। सोना चांदी के जेवर भी बताए जा रहे हैं, कुछ वो भी चोरी हुए? हाँ, वो चांदी के 2-4 कड़े रखे थे भगवान को पहनाने के लिए, अभी अन्नकूट हुआ था उस समय वहीं रख दिया था। कितने बजे आपने पूजा की? मैं पूजा कल किया हूँ 7:30 बजे शाम को आरती, फिर 10 बजे तक यहाँ था, 10 बजे द्वार लगा के फिर मैं गया हूँ। सुबह फिर कैसे पता चला? सवेरे मैं नहाने के लिए उठ जाता हूँ 4:30 बजे, तो मैं नहाने के लिए उठा जब 5 बजे करीब, देखा तो दरवाजे खुले थे, लाइट तो बंद थी, तो मैंने कहा ताला तो मैं रात में लगाया ताला, इसने खोला। जब मैं आके देखा तो यही पूरा खोला था दरवाजा। दो मूर्ति जो चित्रगुप्त विचित्रगुप्त थी गायब थी। नदी मंदिर में पंडित जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि दो मूर्तियाँ चोरी हुई हैं, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करके हम लोग पतासाजी कर रहे हैं, जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। मूर्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी पुरानी? आप पंडित जी के बताने सर मूर्ति अष्ट धातु की हैं, तो उनका बेशकीमती कीमती मूर्ति है वो, और की पीतल जैसी मूर्तियां हैं, और हम इसका खुलासा करेंगे, आपके सामने रखेंगे, फिर आप देखिएगा कि कैसी मूर्तियां हैं वो। अष्ट धातु मूर्तियां जो है इंटरनेशनल बाजार में इनकी क्या कीमत आती जाती? कोई कीमत नहीं होती, जैसे चित्रकारी में पेंटिंग की कोई कीमत नहीं रहती है, इनकी कोई कीमत नहीं कर सकता। बता दें कि पुलिस की टीम जांच में जुटी है। थाना प्रभारी अजय सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।